दोस्तों, वेलकम टू आईटी स्पोर्ट हिंदी। आज हम बात करेंगे फेसबुक कैंपेन के बारे में। फेसबुक कैंपेन क्या है और कैसे काम करती है। जो फ्रेंड मेरे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट ही मुझे वीडियो बनाने की हिम्मत देता है। थैंक यू सो मच। आगे चलते हैं हम फेसबुक ऐड कैंपेन क्या है और ये किस तरह की होती है। ये कैंपेनिंग काफ़ी तरह की होती है, इसमें काफ़ी तरह की कैंपेनिंग लगती है। लाइक पेज, व्यू पेज, वेबसाइट विजिटर, मतलब कि आप काफ़ी तरह की कैंपेन लगा सकते हैं। प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग भी कैंपेन लगा सकते हैं आप इस पर। तो इस तरह की काफ़ी तरह की कैंपेनिंग लगती है। हम ज़्यादातर इसमें बूस्ट यूज़ करते हैं। बूस्ट का कहने का मतलब है, ये जैसे बूस्ट पोस्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, बूस्ट के ऊपर पोस्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपको एक बूस्ट वो देता है। बूस्ट का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कम पैसों में आपकी जो पोस्ट है उसे देख सकते हैं। आप प्रोडक्ट दिखा सकते हैं, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप वर्जन है, मोबाइल वर्जन एंड इंस्टाग्राम वर्जन। इसमें तीन तरह के वर्जन होते हैं। मैंने तीनों ही वर्जन इस पर अडेप्ट किए हुए हैं, जैसे कि मैंने इंस्टाग्राम भी साथ ही इंक्लूड किया हुआ है। इस पर जो मेन चीज़ है आपको ऐड लगाने के लिए जो बहुत ज़रूरी है, वो है आपका जहाँ के आपको टारगेट करना है, टारगेट लोकेशन। जैसे कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड कौन कौन देखे, कहाँ कहाँ देखी जाए। जैसे कि मैंने दिया हुआ है कि मैं मेल और फीमेल दोनों को ऐड दिखाना चाहता हूँ। मैं 18 से लेकर 35 साल की उम्र तक के लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूँ, प्लस मैं इंडिया में ऐड दिखाना चाहता हूँ। ये ऑप्शन आप कभी ना भरिए, क्योंकि इस ऑप्शन को भरने के बाद आपकी जो ऐड है वो उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो कि वो इसके अंदर आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ PHP लिख के फाइंड करता हूँ, जिन लोगों ने अपनी प्रोफाइल के अंदर PHP लिखा हुआ है या अबाउट मी में PHP आ रहा है या इंटरेस्ट में PHP दिया हुआ है, ये ऐड उन्हें दिखाई देगी। प्लीज़ आप ये कभी ना फिल कीजिएगा, क्योंकि ये फिल करने से आपकी ऐड सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देगी जो PHP की रिकॉर्डिंग काम करते हैं और PHP में ही काम करते हैं। इसे आप सेव कीजिए। यहाँ से सेव करने के बाद आपकी पेमेंट जो मॉड्यूल है, पेमेंट मॉड्यूल आपका नीचे है। मैं एक दिन की ऐड लगा रहा हूँ, 40 रुपये की ऐड है। 1300 से लेके 3400 लोग मुझे ऐड को देखेंगे। मेरे अकाउंट में अभी 50 रुपये हैं। आप अपने अकाउंट में पैसे डालने के लिए आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पेटीएम, पेपाल कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप अकाउंट में पैसे डाल सकें। और इसको आपने बूस्ट कर देना है। यहाँ पे बूस्ट के ऊपर क्लिक करते ही आपकी ऐड बूस्ट हो जाएगी और ये अप्रूवल के लिए जा जाएगी। अप्रूवल में जाने के बाद ये आपको एक पैनल मिलता है। इसमें आपने हमेशा ही पावर एडिटर में काम करना है। पावर एडिटर, क्योंकि पावर एडिटर बेस्ट है, क्योंकि जैसे कि आप PPC करते हैं तो PPC में भी एक पैनल मिलता है। ये वैसा ही पैनल है, बट ये थोड़ा चेंजेस है फेसबुक और PPC के अंदर, वो मैं आपको आज क्लियर कर दूंगा। जैसे कि इसमें कैंपेनिंग है, इसमें एड सेटिंग है और इसमें एड्स है। कैंपेनिंग क्या, कैंपेनिंग का टाइटल है और किस टाइटल के ऊपर कैंपेनिंग बनी हुई है, ये हमें सिर्फ वही बताता है कि ट्रैफिक के ऊपर कैंपेनिंग है, कि ट्रैफिक ज़्यादा से ज़्यादा है और मेरी वीडियो को देखिए। आगे चलते हैं। ये है ऐड, मतलब कि ऐड आजकल आप देख रहे होंगे कि फेसबुक काफ़ी तरह की ऐड दिखा रहा है। आपकी वीडियो चल रही है, कोई काफ़ी पॉपुलर वीडियो उसके अंदर ऐड आ जाती है, तो ये सेटिंग आपकी यहीं से होती है कि ऐड के ऊपर आपने सेटिंग करनी है। हाँ, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलती है कि आप इंडिया में दिखाना चाहते हैं, 18 से 35 साल की उम्र के बीच में दिखाना चाहते हैं, फीमेल मेल को दिखाना चाहते हैं। इसमें भी वो भी ऑप्शन पूछी जाएगी, आप इंटरेस्टेड पर्सन को दिखाना चाहते हैं। तो प्लीज़ मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आप इंटरेस्टेड पर्सन कभी ना डालिएगा, क्योंकि इससे आपकी ऐड में अच्छे विजिटर या व्यूअर नहीं आ पाएंगे। प्लीज़ आपके जो क्लिकिंग है वो बहुत कम हो जाएगी। ऐड को हमेशा ऑटोमेटिक नहीं रखना चाहिए, जैसे कि PPC में नहीं कर रखते हम, इसमें भी ये ऐड को ऑटोमेटिक में नहीं रखेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ, फेसबुक फीड में मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, आर्टिकल के थ्रू ऐड दिखाना चाहता हूँ, जैसे कि आर्टिकल के थ्रू, या मैं चाहता हूँ कि लोगों की कोई वीडियो है उसके बीच ऐड चल पड़े, राइट साइड कॉलम में ऐड आए, सजेस्टिंग वीडियो बन जाए। इंस्टाग्राम में तो ऑलरेडी मेरी ऐड चलेगी, पर मैं इंस्टाग्राम फीड में ऐड दिखाना चाहता हूँ, या आप इंस्टाग्राम में कोई स्टोरी डालना चाहते हैं तो उसमें ऐड दिखाना चाहते हैं, ऑडियंस अदर नेटवर्क के ऊपर आप ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप उन पर भी ऐड दिखा सकते हैं। पर अदर नेटवर्क के ऊपर ऐड दिखाने का तो कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं है। मैं तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ही कहूँगा ऐड दिखाई, क्योंकि ये आपने टारगेट लोकेशन पे रखे हुए हैं। आगे चलते हैं। आगे आप क्लिकिंग के ऊपर है, इंप्रेशन के ऊपर है, सारा काम वही होगा इसमें, जैसे कि हम PPC में करते हैं। आगे चलते हैं। आगे है आपकी ऐड, इसमें आप ये कर सकते हैं। इस वाले में तो हम सिर्फ ऑडियंस, कहाँ की ऑडियंस है, क्या एज है, हम किस किस पैनल पे ऐड दिखाना चाहते हैं, हम वीडियो के बीच ऐड दिखाना चाहते हैं, हम वो करते हैं। और इसमें आप सिर्फ ऐड की सेटिंग कर सकते हैं कि ऐड की सेटिंग कैसे की जाए, ऐड में आप क्या
दिखाना चाहते हैं, या क्या चेंजेस करना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो चेंज करना चाहता हूँ। मैंने जैसे आपको बताया कि मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट और फेसबुक अकाउंट ज्वाइंट हो रखा है, तो इसमें मुझे हर वर्जन दिखाएगा, जैसे कि मोबाइल वर्जन, डेस्कटॉप वर्जन, इंस्टाग्राम वर्जन, ये सारी फीडें मुझे दिखाएगा। प्लस मैं चाहता हूँ कि मैं रीपिक्सल ऐड साथ में चलाना चाहता हूँ, या फिर मैं चाहता हूँ कि मैं क्रिएट करना चाहता हूँ कोई होर ऐड, मुझे लगता है कि इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, इसकी फ़ोटो चेंज करनी है, मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ, मैं वीडियो डाल सकता हूँ, मैं कुछ भी चेंज कर सकता हूँ, वो 2 मिनट का काम है। यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी ऐड पहुँचाना चाहते हैं, तो हाँ आप ऐड के अंदर काफ़ी चेंजेस किए जा सकते हैं। तो आपको ऐसा लगता है तो आप यहाँ से वो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपने क्लिक किया क्रिएट ऐड, तो ये चेंज हो गए, इमेज आ गई, वीडियो आ गया, वीडियो डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, आपको वो ऐड दिखाएगा। इसके अलावा ये पैनल मेन पैनल है, आपको ये पैनल ऐड के अंदर ही मिल जाएगा, मतलब कि आपने कुछ नहीं करना, आप साइनअप पे जाएंगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करने के बाद नीचे आएंगे, आपकी ये देखिए मैनेजमेंट और प्रमोशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड मैनेजमेंट पे ऊपर क्लिक करेंगे, तो ये आप पैनल आपका खुल जाएगा। ये ऐड मैनेजमेंट पैनल होता है, इसके अंदर ही आपको पावर एडिटर का पैनल मिलेगा, ये पावर एडिटर आप इसके अंदर क्लिक करेंगे, आप इस पैनल पे आने के डायरेक्ट। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है रिकॉर्डिंग टू फेसबुक ऐड, या आप कुछ जानना चाहते हैं IT की रिकॉर्डिंग, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को और मेरे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँ, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे साथ जैसे रहेगा तो मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।